है। हमारे साथ जितेंद्र डूडी एक बार फिर से जुड़ गए। जितेंद्र कहाँ है अभी, आसाराम कहाँ है, उनके जो दोनों सह आरोपी है वो कहाँ पर है, और शिल्पी और शरद चंद्र को अब कहाँ ले जाया जाएगा, इसी जेल में उन्हें बंद किया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया है, अभी कहाँ पर है सब? जी जी अपूर्व, बताना चाहूंगा कि अभी जो है कोर्ट, जो एसआई कोर्ट के अंदर आसाराम के वकील और जो जस्टिस मधुसूदन शर्मा, ये सारे लोग अभी यहाँ से जेल से निकल रहे हैं और पूरी सुरक्षा के साथ इनको अब इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो फैसला सुनाया उसके मद्देनजर रखते हुए कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, इसलिए उनको सुरक्षा के साथ छोड़ा जा रहा है। दूसरा, जो आसाराम वगैरह ये सारे अभी तक जेल में ही हैं, अभी इनको बाहर नहीं लेके आया गया है। जी अपूर्व, ठीक है, लौटता हूँ आपके पास मैं। अनिल गोठवाल जी, आपने भी सुना क्या कुछ दलील दी गई, और अब कहा जा रहा है हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जाएगी, ठीक है, वो उनका हक है हाईकोर्ट में अपील करने का, लेकिन लगता है कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में भी सबूतों गवाहों को जो है दबाने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई, उन पर दबाव बनाकर गवाहों को भी हमने देखा कि उनकी हत्या हो गई, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से धनबल का इस्तेमाल किया गया, बाहुबल का इस्तेमाल किया गया, एक एक चीज आसाराम के खिलाफ गई, ये सारी चीजें तो हाईकोर्ट भी देखेगा ना? नहीं, बिल्कुल देखेगा। देखो मैं एक और है, अब आवश्यकता ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के अपराधी लोग हैं, इनके ऊपर और कुछ कड़ी सजा का प्रावधान के साथ साथ कुछ और बंदिशें लगनी चाहिए, अब ऐसा कानून बनना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा कानून है कि यदि कोई पीड़िता है उसके साथ इस तरह